जो यहां 10 अक्टूबर को धरना देने की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता उनसे सवाल पूछती है कि जब जम्मू कश्मीर मुश्किल हालात में था, जब जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा संकट के बादल छाए रहते थे, जब जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर देखना पड़ा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। जब जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो रहा था, जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जानें जा रही थी, जब पूरा जम्मू कश्मीर बंद हड़तालों के कारण त्राहिमाम करता था, उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन, शांति, भाईचारा और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में अमनो अमान है, आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं, और ऐसे में गुपकार गठबंधन के ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती है, हर रोज जनता को गुमराह करने की एक साजिश गुपकार गठबंधन के ये नेता कर रहे हैं। कहां थे गुपकार गठबंधन के ये नेता जब जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल अपने हक के लिए लड़ते थे, तो इन्होंने कभी धरना नहीं दिया। 70 साल गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी लोगों को अपने हक की जद्दोजहद करनी पड़ी, उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने कभी धरना नहीं दिया। पहाड़ी कबीले के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, कभी गुपकार गठबंधन के नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी कम्युनिटी के लोग अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, कभी मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा और कांग्रेस के नेताओं ने यहां कभी धरना नहीं दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज 70 साल अपने हक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करता रहा, उनके हक और इंसाफ के लिए कभी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वालों ने धरना नहीं दिया। आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम हो रहा है, तो गुपकार गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और पीडीपी के नेताओं को बड़ी तकलीफ हो रही है। आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली, अमन, भाईचारा मजबूत हुआ है, तो गुपकार गठबंधन के इन बड़े नेताओं को तकलीफ हो रही है। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट लोग आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए 1 साल में, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? आज जम्मू कश्मीर के अंदर बाजारों में रौनकें हैं, सड़कों पर चहल पहल है, कोई बंद काल हड़ताल नहीं, कहीं किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। सरकारी मुलाजिम हो, मेहनत कश लोग हों,
बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, सब इज्जत और एहतराम के साथ अपना काम कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज पुरअमन तरीके से खुले हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जब पूरा जम्मू कश्मीर खुशहाल है तो गुपकार गठबंधन के ये नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के हैं, इन्हें तकलीफ हो रही है और लोगों की खुशहाली इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर खुशहाल बने और ये धरने की धमकियां दे रहे हैं। कहां थे ये नेता, मैं सवाल पूछता हूं, जब 2018 में जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी इलेक्शन अनाउंस हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब पंचायतों के चुनाव अनाउंस हुए, वो कौन सी सियासी जमातें थी जिन्होंने उस वक्त बाइकॉट की कॉल दी थी? वो कौन से सियासी नेता थे जिन्होंने 2018 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे उस वक्त बाइकॉट्स की कॉल दी थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां कभी पंचायतों को अधिकार नहीं दिए? वो कौन सी सरकारें, कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने पंचों सरपंचों को यर्गमाल बना के रखा था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी पंचायती राज मजबूत नहीं किया? ये यही लोग थे जो आज जमहूरी निजाम को लेकर बड़े बड़े प्रवचन सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। ये प्रवचन नहीं है, ये मीटिंग्स नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ ये साजिश और षड्यंत्र करते हैं। आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए दौर से गुजर रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में दो दो एम्स हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल सांबा, एम्स हॉस्पिटल अवंतीपुरा, आठ आठ मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड जम्मू, रिंग रोड श्रीनगर, जम्मू से कश्मीर घाटी को लिंक करने वाला रेल मार्ग, रेलवे कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, टनल, गांव गांव में जल जीवन मिशन, बिजली पानी, और जम्मू कश्मीर में हर वर्ग के साथ इंसाफ न्याय, वो चाहे दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग हो, वो चाहे गरीब लोग हो, जब इन सबको इंसाफ मिल रहा है तो गुपकार गठबंधन के इन नेताओं को जो 10 तारीख को धरना करने की धमकी दे रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है कि आज जम्मू कश्मीर क्यों सुनहरे दौर से गुजर रहा है। ये लोग, ये नेता, ये वही लोग हैं जब मोदी साहब ने गरीब लोगों के सर के ऊपर छत बनाने की बात कही, गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं गांव गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से, और जो लोग सर्वे में नहीं आए ऐसे 2 लाख लोगों को जब मोदी साहब ने कहा जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन 5-5 मरला मुफ्त दी जाएगी और उनके लिए मकान बनाए जाएंगे, उस वक्त भी इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, झूठ बोला, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि ये सारे लोग बाहर से आएंगे। आज जब जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने गरीब लोगों को मकान, जम्मू कश्मीर के हर शख्स को आयुष्मान भारत योजना से गोल्डन कार्ड, हर एक शख्स अगर कोई बीमार होता है तो उसे 5-5 लाख मोदी हुकूमत देती है, गरीब लोगों को पेंशन, गरीब लोगों को मकान, गरीब लोगों को फ्री राशन, जब कोरोना के मुश्किल वक्त में मोदी साहब ने फ्री वैक्सीन लगाकर सबको कोरोना से निजात दिलाई, और उसके साथ साथ दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़े समाज को हक,
बेस्ट पाकिस्तानी रफूजी समाज को अधिकार पीओजेके से जो आए विस्थापितों का मान सम्मान मोदी साहब ने किया। गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी समाज को पहली बार हक मिले मोदी साहब ने दिए। पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र लाल किले से किया तो मोदी साहब ने किया। जम्मू कश्मीर में ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को हक देने की बात आई तो मोदी साहब ने फैसला लिया। आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम हो रहा है तो गुपकार गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और पीडीपी जैसी जमातों को तकलीफ हो रही है। यह जो तकलीफ इन गुपकार कोलेशन अलायंस के लीडर्स को हो रही है, यह तकलीफ समझी जा सकती है। इन नेताओं की सियासी जमीन खिसक चुकी है, लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है और जब लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, इनकी सियासी जमीन खिसक गई, उस वक्त ये ऑल पार्टी मीटिंग्स करके जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम कभी इनका साथ नहीं दे सकती, ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं, ये वो सियासी हुक्मरान हैं, ये वो सियासतदान हैं जिनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने आजमाया हुआ है। इनकी दौरे हुकूमत जम्मू कश्मीर में क्या होता था जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए ये लाख कोशिश भी करे, जितनी साजिश जितनी मीटिंग्स और जितने धरने इनको देने हैं दे दें, जम्मू कश्मीर की जनता इनकी असलियत को जानती है और इनके प्रोपेगेंडे में इनकी गुमराह करने वाली साजिशों में जम्मू कश्मीर की जनता कभी नहीं आएगी और इनको हमेशा दरकिनार करके रखेगी। और नायरा साहब, जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक के प्रोटेस्ट के बारे में कहा, उनका ये कहना है कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज है, वो यहाँ पर रेस्टोर नहीं की गई है, यहाँ चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, उनकी यूएलओ और पंचायत चुनाव को लेकर करने के लिए बातें। कहाँ थे ये गुपकार गठबंधन के नेता, कहाँ थे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 में यहां शहरी इलेक्शन अर्बन लोकल बॉडीज के अनाउंस हुए थे और इन्होंने बाइकॉट्स डाल दी थी, इन्होंने पंचायत के इलेक्शन की मुखालफत की थी, इन्होंने शहरी इलेक्शन की मुखालफत की थी और आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने चले हैं। तब क्या था, आवाम के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी गुपकार गठबंधन के नेताओं को जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को यर्गमाल बना के रखा, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। कारगिल में चुनाव हो रहे हैं, किस तरह की आशाएं हैं बीजेपी को, क्योंकि वहां पर ये अपोजिशन पार्टी थे। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल, मैंने टैलेंट फंडिंग मामले में कल कुछ मीडिया ऑफिस किया, वहां पर छापेमारी हुई है।